दोस्तों, फिल्म दबंग 3 के 2 साल बाद रिलीज होने जा रही सलमान खान की फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई के साथ ईद का एक तोहफा भी सलमान खान के प्रशंसकों को मिलने वाला है। देसी ओटीटी G5 ने तय किया है कि जो दर्शक भी इसके चैनल जी सिनीप्लेक्स पर राधे योर मोस्ट वांटेड भाई देखने के लिए भुगतान करेंगे, उन्हें G5 का साल भर का सब्सक्रिप्शन मुफ्त दे दिया जाएगा। राधे योर मोस्ट वांटेड भाई के बारे में दर्शकों को ज्यादा से ज्यादा रिझाने के लिए सलमान खान भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिल्म का ट्रेलर लोग खूब देख रहे हैं और इस पर खूब चर्चाएं भी कर रहे हैं। ट्रेलर में दिशा पटानी के चेहरे पर लगे टेप के ऊपर से सलमान खान का चुम्बन सोशल मीडिया का ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है और फिल्म में संगीतकार देवीश्री प्रसाद का गाना सीटी मार भी सलमान खान के एक खास प्रशंसक वर्ग को खूब भा रहा है। गौरतलब है कि साल 2009 में जिस फिल्म वांटेड से ईद पर सलमान खान की फिल्मों का जश्न शुरू हुआ माना जाता है, राधे योर मोस्ट वांटेड भाई उसी फिल्म की अनऑफिशियल सिक्वल है। फिल्म वांटेड में सलमान खान ने अंडरकवर कॉप राधे का रोल किया था और वही रोल इस फिल्म में भी करने जा रहे हैं। राधे योर मोस्ट वांटेड भाई पहली मेगाबाइट भारतीय फिल्म है जिसकी हाइब्रिड रिलीज होने जा रही है। G5 प्रबंधन को इससे वैसे ही डाउनलोड मिलने की उम्मीद है जैसे वार्नर ब्रदर्स की अपनी फिल्म गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग या दूसरी हॉलीवुड फिल्मों से OTT HBO प्लस के लिए मिले हैं। G5 के मुख्य कारोबार अधिकारी मनीष कालरा इस बारे में चर्चा चलने पर कहते हैं, G5 ने देश भर में भारतीय भाषाओं के मनोरंजन सामग्री के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगला और कन्नड़ भाषाएं हमारा मुख्य कार्यक्षेत्र रही हैं। राधे योर मोस्ट वांटेड भाई तो बस शुरुआत है। इस साल हमने करीब 50 बड़ी और नई फिल्मों को OTT पर रिलीज करने की योजना बनाई है, तो जो लोग राधे योर मोस्ट वांटेड भाई देखने के लिए G5 पर आएंगे उन्हें ये सारी फिल्में और करीब 40 ओरिजिनल सीरीज भी तोहफे के तौर पर देखने को मिलेंगी। इनके अलावा प्लेटफॉर्म पहले से मौजूद 12 भाषाओं का करीब 1.25 लाख घंटे का कंटेंट तो है ही। कलरा बताते हैं कि इस बार की ईद को सलमान खान ने जिस जोश खरोश के साथ मनाने की तैयारी की है उसमें उनका कोई प्रशंसक इस फिल्म को देखने से छूट न जाए, इसके लिए G5 ने अभी से पूरी तैयारी कर ली है। कंपनी ने अपने इस तोहफे का नाम ही राधे कॉम्बो ऑफर रख दिया है। फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई को G-Plex पर देखने के लिए कंपनी ने 499 रुपए की टिकट तय की है। लोग ये फिल्म G5 का OTTP अपने मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करके देख सकते हैं। इस धनराशि का भुगतान G5 पर करने से फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई देखने का मौका तो एक बार मिलेगा ही, दर्शक OTT का साल भर का सब्सक्रिप्शन भी मुफ्त में पा जाएंगे।